आज हम हिंदी कुमार भारती के प्रश्न पत्र का प्रारूप देखने वाले हैं, जो 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए एक जैसा रहता है। हिंदी की जो आपकी कृति पत्रिका रहेगी ये 80 नंबर की रहेगी, और इसमें जो पहला प्रश्न रहेगा वह विभाग एक गद्य विभाग का रहता है। गद्य विभाग को 20 अंक दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न एक का अ और जो आ वाला प्रश्न रहेगा वह आपके अभ्यास क्रम के पाठों में से दिया जाएगा। 2 गद्यांश रहेंगे, और प्रश्न एक का जो ई वाला भाग रहेगा यह भी एक गद्यांश रहेगा, परंतु यह अपठित गद्यांश रहने वाला है। जो पठित गद्यांश हैं उनमें अंकों का विभाजन 2, 2, 3, मतलब इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला और दूसरा जो प्रश्न रहेगा वह रहेगा आकलन कृति का, जिसमें आपको संजाल पूर्ण करने के लिए या चौखट भरने के लिए कारण बताओ या वाक्य पूर्ण करो, गद्यांश पर आधारित आकलन कृति पूछी जाएगी। और जो इसका तीसरा प्रश्न रहेगा वह है अभिव्यक्ति का, जिसे हम स्वमत कहते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। ये वाला प्रश्न आप ज़रूर से हल करेंगे, क्योंकि स्वमत का अर्थ होता है अपना मत। तो आपको जो समझ में आ रहा है आप उस प्रश्न पर आधारित अपना उत्तर जरूर लिखेंगे। प्रश्न एक का ही जो ई वाला भाग है वह अपठित गद्यांश है, उसमें भी 2 प्रश्न आकलन कृति वाले रहेंगे, और तीसरा प्रश्न जो रहेगा वह अभिव्यक्ति का रहेगा। लेकिन इसकी अभिव्यक्ति कितने नंबर की रहेगी? 2 अंक की रहेगी। तो इस प्रकार गद्यांश 7, 7 और 6 20 अंक का पूछा जाएगा। विभाग 2 आपका पद्य विभाग का रहेगा। पद्य विभाग में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अ और आ। पठित पद्यांश रहेगा, तो इसका जो पहला प्रश्न रहेगा पठित पद्यांश प्रश्न 2 का अ, यह 6 अंक का है। जो अंक का विभाजन है वो है 2, 2 और 2, अर्थात 2 अंक का इसमें पहला प्रश्न आकलन कृति का पूछा जाएगा। आकलन कृति मतलब संजाल पूर्ण करो वगैरह। और जो दूसरा प्रश्न इसका है वह है शब्द संपदा। इसके अंतर्गत आपसे अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी, पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित आदि, वे सारे प्रश्न जो आपने शब्द संपदा 5वीं से लेकर अब तक पढ़ी है उसमें से कुछ भी 2 अंक के लिए पूछा जा सकता है। प्रश्न 2 के अ का जो तीसरा प्रश्न है वह है सरल अर्थ या भावार्थ। कक्षा में जब आपको कविता पढ़ाई जाती है उसका अर्थ समझाया जाता है, वही आपको दिए गए पद्यांश का अर्थ इसमें लिखना है, और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 2 का जो आ वाला भाग है वह है पद्य विश्लेषण। हर कविता के आखिर में आपको पद्य विश्लेषण लिखाया जाता है, जिसमें कविता का नाम आपको दिया जाएगा और उस कविता के कवि कौन है, कविता किस विधा की है, आपकी पसंदीदा पंक्ति कौन सी है, आपको वह पंक्ति क्यों पसंद है, और कविता से आपको क्या संदेश या प्रेरणा मिलती है, यह आपको इसमें लिखना है। यह प्रश्न 6 अंक का है। तो जो कविता आपकी ऊपर पठित पद्यांश के लिए दी जाएगी, जिसमें से प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से पद्य विश्लेषण नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पद्य विश्लेषण वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत स्कोरिंग है। 3 या 4 कविता है आपकी, आप उनके पद्य विश्लेषण को अच्छे से याद कर लीजिए। फिर जो विभाग 3 है यह है पूरक पठन। 5वीं से लेकर 8वीं तक आपने पूरक पठन नहीं किया है, परंतु 9वीं 10वीं में आपके अभ्यासक्रम में गद्य विभाग,
पद्य विभाग के साथ एक पूरक पठन है जिसमें आपके गद्यांश भी हैं यानी गद्य पाठ भी है और कविताएं भी हैं। तो पूरक पठन का जो प्रश्न है वो 8 नंबर का पूछा जाता है जिसमें से 4 नंबर का पठित गद्यांश रहता है और 4 नंबर का पठित पद्यांश रहेगा। इनमें हर प्रश्न को 2-2 अंक दिए गए हैं, 2 नंबर की आकलन कृति रहेगी और 2 नंबर की क्या रहेगी, अभिव्यक्ति रहेगी। आपको अपने विचार इसमें लिखने हैं। इसी प्रकार पूरक पठन में पठित गद्यांश पद्यांश रहेगा, प्रश्न 3 का आ। पूरक पठन की जो कविताएं हैं उनमें से एक पद्यांश दिया जाएगा और यह भी 4 अंक का रहेगा। 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। विभाग 4 आपका व्याकरण का रहेगा, जिसे भाषा अध्ययन व्याकरण कहते हैं। यह 14 नंबर का है जिसमें 9वीं कक्षा में प्रथम सत्रांत में आपको आपके विद्यालय में या कक्षा में जितना व्याकरण पढ़ाया गया है वह पूछा जाएगा, परंतु 9वीं कक्षा के द्वितीय सत्रांत में एवं 10वीं कक्षा में जितने व्याकरण यहाँ दिए गए हैं पूरे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है अव्यय का है, दूसरा संधि है, तीसरा समास है, चौथा अलंकार, पांचवा मुहावरे, छठवा विराम चिन्ह, सातवां कारक पहचानना, आठवां वाक्य शुद्ध करना, नौवां छंद पहचानना, छंद मतलब दोहा सोठा चौपाई, और 10वां काल परिवर्तन, 11वें में वाक्य भेद है जिसमें अर्थानुसार और रचना के अनुसार वाक्य भेद पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमारा विभाग 5 है वह उपयोजित लेखन का है, रचना विभाग का है, जिस पर सबसे ज़्यादा अंक हैं और ये कितने अंक हैं, 26 नंबर का यह विभाग रहता है। चूँकि यह विभाग सबसे ज़्यादा अंकों का है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा लिखना पड़ता है, परंतु एक बात और ध्यान रखिए, इस विभाग में आपको अंक भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि रचना विभाग का एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। इसमें प्रश्न 5वें के अ में पत्र लेखन आएगा जिसमें आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक पत्र हल करना है। इसका जो दूसरा प्रश्न है वह है गद्य आकलन का, एक गद्यांश दिया रहेगा, एक परिच्छेद दिया रहेगा जिस पर आधारित आपको 4 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। 8वीं तक आप क्या करते थे, आपको गद्यांश और प्रश्न दिया जाता था, आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखते थे, परंतु 9वीं कक्षा से गद्य आकलन में क्या है, जो आपको गद्यांश दिया रहेगा उस पर आपको 4 प्रश्न की निर्मिति करनी है, जिसमें आपको इस गद्यांश को एक शीर्षक दीजिए ऐसा वाला प्रश्न नहीं बनाना है, इस पर अंक नहीं मिलेंगे। कोशिश कीजिए आप 5 से 6 प्रश्न बनाइए तो आपके 4 प्रश्न सही हो जाएंगे और आपको 4 में 4 अंक जरूर से मिलेंगे। हर प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। प्रश्न 5वें का आ वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन, इसमें से आपको कोई भी एक प्रश्न हल करना है, इसके लिए 5 अंक हैं। फिर है इसी का दूसरा विज्ञापन लेखन, इसके लिए भी 5 अंक आधारित है निर्धारित है। विज्ञापन वाला प्रश्न भी किसी भी हालत में आप छोड़ेंगे नहीं, आप एक चौखट बनाएंगे और उसके अंदर दी गई सूचना के अनुसार आप विषय के अनुसार विज्ञापन लेखन करेंगे, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर प्रश्न 5वें का ई यह निबंध है, इसमें आपको 3 विषय दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और इसके लिए 7 अंक निर्धारित है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप निबंध लिखना शुरू करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपने 3ों में से कौन सा निबंध चूज़ किया था, तो आप जो निबंध लिखना चाहते हैं सबसे पहले आप उसका शीर्षक ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप 3ों में से निबंध का शीर्षक लिखना भूलते हैं। तो सबसे पहले निबंध का शीर्षक लिखिए और 4 से 5 पैराग्राफ में निबंध लेखन करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको जब आप वृत्तांत लेखन करेंगे
तब भी आपको शीर्षक देना जरूरी है कि आप किस विषय पर वृत्तांत लेखन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न पत्रिका कृति पत्रिका समझ में आ गई होगी। तो अब आप पेपर पैटर्न के अनुसार अपनी पढ़ाई करना शुरू कीजिए।